वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ दिशलोक की मम्मी। तो आज का दिन बहुत ही क्या है, अच्छा है। अरे कोई आया है, कोई आया है। तेल का पीपा देना है दादी को, तेल का पीपा देना है। दुआई बाबू गुड मॉर्निंग, हेलो कर सबको। हाँ मेरे बच्चे ने कैप्टन है। प्रैंक किस दो सबको। इधर ऐसे खड़े रहो, ऐसा। हाँ हेलो कर दो सबको। हेलो कबड्डी वाला आया, हेलो करो। गाड़ी वाला आया, कुर्सी। प्रैंक किस दो बेटा। अदो अरे वाह मेरा बच्चा रे। तो आज थी श्लोक की के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग, APS आंसर पेपर शोइंग। तो मैं गई थी अभी मैं स्कूल से आ रही हूँ। तो उसे सिर्फ दो पेपर दे पाया था क्योंकि वो एडमिट हो गया था ना फिर हॉस्पिटल में। तो मराठी और कौन सा इंग्लिश, ये दो पेपर दिया उसने। तो मराठी में अच्छा लाया है 30 out of 27, लेकिन इंग्लिश के पेपर के दिन ही उसकी तबीयत खराब हुई थी स्कूल में। मुझे स्कूल से फ़ोन आया था तो उसको इंग्लिश में 30 out of 13 मिले हैं। ठीक है, उसकी अभी तबीयत अच्छी रहेगी तो भगवान करे फाइनल एग्जाम में अच्छा करेगा। नहीं श्लोक, फाइनल एग्जाम में अच्छा करोगे ना? कितने मार्क्स लाओगे? 80 मार्क्स का पेपर ही नहीं। 80 मार्क्स का पेपर रहेगा खुद। 97 20 मालूम पड़ता है कि श्लोक कितना सीरियस है पढ़ाई के प्रति, क्योंकि उसको कितने मार्क्स की एग्जाम होती है वो ही नहीं मालूम है। मेरी चाय बन रही है, मैं बिना चाय पिए गई थी। मैं चाय पीऊंगी अभी, चाय पीऊंगी। चाय बिना चाय के अच्छा नहीं लगता है मुझे, सर दुखता है। बन गई है मेरी चाय, चाय में दो दोस्त खाऊंगी मैं, बहुत भूख लगी मुझे। ठंडी तो ऐसी बड़ी है ना, एकदम जालिम दांत के पिटाने वाली। मेरा कप फूट गया उस दिन, काहे नहीं चाय पी। हो गया मेरा नहाना, मेरा पूजा पाठ हो गई है, लेकिन अभी तक कुछ खाए नहीं है। 12 बज गए हैं, नहीं 12 नहीं बजे, थोड़ा समय है। आज श्लोक के स्कूल जाना पड़ा इसलिए काम थोड़ा लेट हुआ। फिर आज मौसम खुला है, आज धूप भी है, वाह सूरज निकला है। दो दिन से तो सूरज के दर्शन नहीं हुए, बदली थी इतनी, आज धूप अच्छी निकली है। तो नाश्ते की तैयारी करते, भूख लगी है कड़ाके की। ठीक करती हूँ मुझे। आप हम दोनों हैं दादी नहाने को, ये बीबी के लिए।
आपको दिखाऊंगा मैं कैसा लग रहा हूँ। श्लोक श्लोक की थाली आ गई है। ये रिद्धि खा रही है चाय पराठा टमाटर की चटनी और ये सिर्फ चाय पराठा, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं खाता है। खा कैसे बना मस्त। तो हो गई है शाम, शाम होते बराबर फिर से वही क्या बनाना है। हेलो गाइस, मम्मी बना दे मेरे मैगी, मम्मी बना दे लो प्लीज। अच्छा मैं बना लूं? मैं बनाऊ क्या बनाऊंगी बना। अच्छा मैगी खाना है, सब ट्यूशन चाहिए। इतनी बड़ी होगी अब तो मैगी बनाना नहीं आता है। आपको बना के दे दो हाँ बस क्या करना क्या है, बस पानी चलाना है। मैगी बनाने के लिए पानी गर्म करी। ये है मैगी। मैगी बनाने के लिए कितना ढेकला डालू? ढेकला बोलते पीस डाल दिए। क्या तरीका है ये, पानी भी बॉईल नहीं हुआ। एक ग्लास और डाले पानी डाले नहीं, एक ग्लास थोड़ा सा ऊपर का गिरा नहीं हुआ ना। अरे 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 ठंडा पानी हो गया। ए ऊपर चटनी चटनी मसाला कब डालूं? बॉल जाना जब ऐसे बनाती हूँ। नहीं मैगी, मैगी। आ मेरा बच्चा आया। ओह तू हाई कर दो, वो देख रही है कहाँ पे कर रहा है। इधर हाई करो। हाँ हाई कर दो उधर। मैगी खाओगे? मैगी मैगी खाओगे? ये मैगी 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 खाएगा बाबू। ब्लैंकेट दे दो, ब्लैंकेट मैगी खाएंगे बाबू आप। अब डालेंगे हम मसाला। गंदी लड़की सॉरी बोलो। बाबू हप्पा खाएगा इसको ऐसे कर दूं। हाँ आप कमेंट कीजिए आपको आता है मैगी बनाना। तो आता है बोलना है बाबू, आता है ना? आता है तू वहाँ बोलो, वहाँ पे बोलो, क्या पे मैं बोलो का आता है। ये बनी है हमारी मैगी। मैंने बनाई हूँ, मैंने एकदम सूखा बनाई है, एकदम सूखा। ये देखो ये मामा जी ने उसके टिफिन लेकर आए हैं श्लोक के लिए, तो अपने टिफिन में खा रहे हैं। और ये सबसे बदमाश बच्चा मामा। आदू कैसा बना बाबू, कैसा बना? अच्छा बना। खाओ, एक नंबर है मस्त। इनकी तो हो गई पेट पूजा, अब हम बनाए खाना, क्योंकि हम थोड़ी ना मैगी खा रहे हैं। होगी है तो अब बनाने जा रही हूँ मैं खाना। अब सब तक सोच ही नहीं हूँ क्या बनाना है, सब्जी वगैरह। अब तो कुकर वगैरह लगा लेती हूँ और रात के खाने के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए स्टे विद अस। तो डिसाइड हो गया है सब्जी क्या बनाना है। बैंगन का भरता, ये देखिए ये फ्रेश खेत का बैंगन है जो मेरे भाई ने ला के दिया है। तो मम्मी बना रही है नए स्टाइल में भरता, मैं भूंज के बनाती हूँ, मतलब है ना भूंज के ना गैस पे रख के इसको सब भूंज के
लेकिन मम्मी बना रही है तल के। मेरा कुकर हो गया है और इधर मम्मी भी तल के बना रही है, मैं भी देखूंगी क्योंकि मुझे तले हुए बैगन बनाना नहीं आता भरता। अच्छा इतना सारा तेल लेना पड़ता। स्माइल हंसके हंसके, वेरी गुड। प्यार से बनाने से सब्जी और मीठी बनती है, स्वादिष्ट बनती है ना मम्मी। गुद से मैं बनाने से सब्जी तीखी बनती है। हाँ नमक भी डालना है साथ में, हल्का सा, अच्छा मुलायम होने के लिए। जल्दी पकता है। इसको ढक देंगे है ना, 5 मिनट में पक जाएगा बोलते हैं। तो बैगन पक गए हैं, 5 मिनट के अंदर पक गए हैं, मतलब अच्छे से तल गए। देखो ब्राउन कलर आ गया है उसमें। मम्मी ने भी यहाँ पे तैयारी कर ली है फ्राई करने के लिए, टमाटर और प्याज मिर्ची वगैरह काट लिए। लहसुन काटना बाकी है, मेरे ख्याल से लहसुन बाकी रह गया है, कोई ना वो भी हो जाएगा। तो ये फ्राई करने के तेल डाल दी मम्मी ने, तेल हो गया है गरम, लहसुन और हरी मिर्ची से स्वाद आता है। ये कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, प्याज, तेल कम डालना, तेल दिखता है। वाह 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 वाह, क्या खुशबू आ रही है। हो गया ये टमाटर, अब ये पके हुए बैगन तले हुए। टार्ट पे टेस्ट अच्छा ही बना है, दादी ने बनाई है तो टेस्ट अच्छा ही होगा। इसीलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक लिए मैगी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मैगी अच्छी नहीं बनी है। अच्छा अगर आपको मैगी आती है ना तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपको तो अगर नहीं आएगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या मैगी अच्छी नहीं बनी थी, सूखी सूखी बनी थी लेकिन बैगन में बढ़ता अच्छा बना था, पानी कम हो गया था। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ में। बाय कर दो आदमी, बाय। लाइक कीजिए तो आना बोलना आना आना।